यहाँ पे क्या है ना सीन, पास में है कंपनी बाग, लोग सुबह सुबह जाते हैं वहाँ पे वॉक या रनिंग या अपना वर्कआउट वगैरह करके, और उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, जो जितनी कैलोरीज उड़ाई हैं उतनी पूरी भी तो करनी है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप पीपल, दिस इज अंशुमन फ्रॉम ऑल इंडिया बुकर। हम कहाँ पे आज, हम है ज्ञानी टी स्टॉल पे, एंड यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, यहाँ पे चाय मिलती है बहुत सही वाली, एंड उसके अलावा वी आर गोना ट्राई ब्रेड ऑमलेट, देन कचौड़ी, एंड देन इसके अलावा इनके पास ब्रेड टोस्ट होते हैं। सो दिस इज प्रीटी फेमस इन अमृतसर, सो वी थॉट ऑफ कवरिंग इट, सो आओ कवर करते हैं, वी विल शो यू ऑल द टेस्ट प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, लेट्स गो ट्राई करते हैं। ऑल राइट, सो सुबह सुबह का टाइम है, अराउंड 7 बजे है, एंड हम सुबह यहाँ आ गए हैं। जनरली ये जो है सुबह 4, 4:30, 5 बजे से ही ऑपरेट करना शुरू कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या है ना सीन, पास में है कंपनी बाग, लोग सुबह सुबह जाते हैं वहाँ पे वॉक या रनिंग या अपना वर्कआउट वगैरह करके, एंड उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, जो जितनी कैलोरीज उड़ाई हैं उतनी पूरी भी तो करनी है। So, ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये आ गई इनकी कचौड़ी, तो सबसे पहले आ गई इनकी कचौड़ी। सो इस कचौड़ी की बड़ी मारो मार है यार, क्योंकि ये आधा घंटा पौना घंटा यहाँ पे कचौड़ी रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, इतनी डिमांड होती है इसकी। इसको ट्राई करते हैं हम पहले। हाँ हाँ, लो जी ये देखो कचौड़ी, अंदर से फीलिंग देखो आप, क्या बात है। अच्छा, साथ में इनकी एक स्पेशल है पुदीने की चटनी, बट ये थोड़ी है अलग टाइप की है, तो उसके साथ हम करते हैं इसको ट्राई। कचौड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल है, टिपिकल कचौड़ी टाइप नहीं है, फिलिंग भी जो है इसके अंदर थोड़ी सी पनीर की एंड चीनी की फिलिंग है, तो वो चीज़ है। एंड दिस कचौड़ी इज वेरी डिफरेंट, अगर आप मतलब ऐसी कचौड़ी आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, बहुत अलग कचौड़ी है ये। अच्छा ये आ गई थी इनकी स्पेशल चाय, और ये आ गए इनके टोस्ट। सो इट्स नथिंग, बेसिक ब्रेड बटर है, ब्रेड टोस्ट करके बटर लगाया हुआ है। सो और ये आ गई चाय, यहाँ चाय बनी है ना, बड़े भाई दूध की चाय बनी है। तो मतलब ऐसी चाय पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, दैट इज वेरी यूनिक, बट भी है बटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसमें, उसके कारण जो क्या है ना बटर का टेस्ट ज्यादा आता है, तो इसे नजारा आ गया। सो ये आ गया जी इनका ऑमलेट, द बेस्ट थिंग अबाउट ऑमलेट इज बेसिक ऑमलेट है, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर
प्याज इसमें बहुत कम यूज हुआ है, उससे क्या है ना जो एग का नेचुरल टेस्ट है वो आता है. सो आई जेन्युइनली लाइक दिस काइंड ऑफ ऑमलेट, सो आई एम रियली लविंग इट और बहुत जबरदस्त है. अभी क्या करते हैं, अभी सबको करते हैं माइंडर कंपेयर. सो सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आना, अभी क्या है विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट यहाँ पे आके ना मतलब मैं कहता हूँ फुली सेटिस्फेक्शन है एंड एवरीथिंग वी ट्राइड दैट वाज रियली अमेजिंग कमेंडेबल. जो टोस्ट थे उसमें जो बटर यूज़ हो रहा था ना, जितनी चीज़ स्लाइस होती है ना उतना बटर उसी तरह की एक स्लाइस बना के बटर की वो अंदर यूज़ कर रहे थे. एंड ऑमलेट प्रिटी बेसिक बट प्रिटी इफेक्टिव, बहुत ज़बरदस्त. बेस्ट पार्ट है जो चटनी ये सर्व करते हैं ना, दैट इज़ रियली अमेजिंग. एंड सबसे बढ़िया क्या लगी मुझे, कचौड़ी और चाय. कचौड़ी बहुत अल्टीमेट थी एंड ऐसी कचौड़ी मैंने कभी नहीं ट्राई करी, तो दिस इज़ रियली अमेजिंग. आप सब लोग भी यहाँ पे आओ, बहुत मज़ा आएगा आपको. एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हंग्री विद ऑल इंडिया बुकर. इसी के साथ हम और ब्लॉग्स लाते रहेंगे आपके मुँह में पानी, तो हम लाते ही रहेंगे. ओके, ऑलराइट गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.